Hello everyone, Jai Hind. This is Ekta Rai from Trishul Defence Academy. आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम एयरफोर्स अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फेज टू की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम जीडी के बारे में आज डिस्कस करेंगे. देखिए, एक्चुअली जीडी में जो रिजेक्शन के केसेस होते हैं वो मेनली जो होते हैं वो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट की वजह से होते हैं. जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसमें कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ें ना बोल के बहुत सारी मीनिंगलेस चीज़ें बता देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंट्रोडक्शन में आपको यूज करना है, जो आपको बताना है, दैट इज माय नेम इज. आपको अपना नाम बताना है, जिसमें कोई बोलता है दिस इज प्रकाश, कोई बोलता है आई एम प्रकाश, कोई बोलता है माई सेल्फ प्रकाश. तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट ना बोल के आपको सिर्फ बोलना है माय नेम इज प्रकाश. देयर आफ्टर आई बिलोंग फ्रॉम बलिया, आई बिलोंग फ्रॉम गाजीपुर, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो आपको वो बताना है. उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट आपको बताना है, दैट इज आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, या आप अगर अभी आपने रिसेंटली 12th पास किया है तो आपको वो बताना है कि आई हैव रिसेंटली पास माई क्लास 12th. इसके बाद आपको बताना है कि आप अभी रिसेंटली कर क्या गए हो, आप करेंटली क्या कर रहे हो. अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन. अगर आपने क्लास 12th पास किया है तो आपको बताना है कि आई हैव पास माई क्लास 12th. आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ICSE बोर्ड से किया, UP बोर्ड से किया, या CBSE से किया, या किसी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्कूल का नाम नहीं मेंशन करना है. उसके बाद बात आती है, आपको अपने बारे में बताना है कि आपका एम्बिशन क्या है. तो एम्बिशन के लिए माय एम्बिशन इज टू बिकम एयरमैन बिकॉज इट्स माय पेरेंट्स ड्रीम. उसका रीज़न बता दीजिए कि आप क्यों एयरमैन बनना चाहते हैं, या आप कह सकते हो इट्स माय पैशन, इट्स माय ड्रीम, या अगर आपके फैमिली चाहती है तो आप बताइए इट्स आई वॉन्ट टू बिकम एयरमैन बिकॉज इट्स माई पेरेंट्स ड्रीम, या कोई और रीज़न बताना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आई गेट इंस्पिरेशन वेन एवर आई सी एनी पोस्टर ऑफ एयरमैन. ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया. आपको अपने नंबर ऑफ सिबलिंग्स नहीं बता रहे कि आपके चार भाई बहन हैं, या आपको मदर्स नेम, फादर्स, आपको अपने फादर्स के भाइयों के बारे में नहीं बताना. सिर्फ आपको फादर का नाम के बाद आपको अपना अपने बारे में सारा इंट्रोडक्शन देना है. उसके बाद बात आती है मेन ग्रुप डिस्कशन की. मेन ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो ये डिपेंड होता है कि कितने स्टूडेंट्स, कितने कैंडिडेट्स वहाँ पर जीडी के लिए हैं. ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग वो 10-15 के भी ग्रुप बना देते हैं, 5-10 के भी ग्रुप बना देते हैं. ग्रुप में बात करने के लिए 10-15 मिनट्स का टाइमिंग होता है, और आपको जिन टॉपिक पर बात करनी होती है वो पूरे सोशल टॉपिक्स होते हैं. इन टॉपिक में बात करने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए. आपको नेगेटिव नहीं बोलना है जो भी टॉपिक मिलेगा. इवन इफ द टॉपिक इज नेगेटिव, बट यू हैव टू गो थ्रू द पॉजिटिव अप्रोच. नेगेटिव टॉपिक्स पर भी आपको पॉजिटिव बात ही करनी है, क्योंकि जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं सब एक पॉजिटिव अप्रोच लेके वहाँ पर आते हैं, इसलिए नेगेटिव बात करनी ही नहीं है. अगर आप जीडी में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ हैं तो, और आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक है, तो आप कुछ डायलॉग्स बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका देखा जाता है. हिंदी बोलना अलाउ नहीं है, आपको टोटली इंग्लिश में बात करनी है. मिनिमम आपको 4-5 सेंटेंसेस वहाँ पर डिलीवर करने ही हैं. आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप 7-10 स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस वहाँ पे नहीं रख सकते, तो कम से कम 3-4 सेंटेंस तो आपको बोलने हैं. उसमें बीच बीच में आप बोलिए, जैसे जो भी इनिशिएट कर रहा है टॉपिक को, जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय प्रिविलेज टू पार्टिसिपेट हेयर, यहाँ पर पार्टिसिपेट करना मेरा सौभाग्य है. उसके बाद ये थर्ड डायलॉग जो लिखा है, इसमें अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पास उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं,
तो आप बीच में बोल सकते हैं सॉरी टू जंप इन, इसका हिंदी में मतलब हुआ बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा। या आप बोल सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसका भी वही मतलब है बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा ये आप दो तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद आप अगर सामने वाले की बात से पूरी तरह से सहमत नहीं भी हैं, फिर भी आपको बोलना है आई एम कंप्लीटली अग्री विद योर पॉइंट बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज मच बेटर या दिस इज बेटर। अगर आप उसकी बात से सहमत नहीं है तो आपको उसको गलत ठहराने का वहां कोई अधिकार नहीं है, आपको उसको गलत ठहराना है फिर भी आपको कहना पड़ेगा आई एम कंप्लीटली अग्री विद योर पॉइंट्स। उसके बाद आप आगे अपनी बात को रखिए जिस पर आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ स्मॉल फ्रेजेस होते हैं, आई बेट, आई फील, आई थिंक, आई कंसीडर, आई गेस, आई सपोज। इन फ्रेजेस के हेल्प से आप अपने सेंटेंस को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। आई बेट का मतलब मैं शर्तिया समझता हूँ कि, आई फील मैं महसूस करता हूँ कि दिल से, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि, आई कंसीडर मेरा मानना है कि, आई गेस मेरा अनुमान है कि, आई सपोज भी मेरा मानना है कि। ये अगर आप ऐड करते हैं तो आपका जीडी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। आपको वहाँ पर नॉलेज, पावर ऑफ एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपको जीडी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।